स्टूडेंट्स, आई एम रिता इंदौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और स्टूडेंट्स, अब अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका नेक्स्ट पार्ट फ्रॉम द प्रैक्टिस सेट। हम लोगों ने ऑलरेडी बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, बट आफ्टर दैट ऑल्सो मुझे कुछ सेट और समझाने हैं। क्यों समझाने हैं? हम यहाँ पर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वो इंक्लूड करेंगे जो या तो प्रीवियसली ईयर्स में आ चुके हैं या फिर उसके अलावा, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स वाले पेपर्स तो हम हमेशा ही आपको बताते हैं कि प्रीवियस ईयर्स में किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, कैसे आपको वो सॉल्व करने हैं। अब सॉल्व करना तो थ्योरी पढ़ते आ रहे हो, बहुत अच्छे से पता चल गई है। अब आपके पास जो मैं यहाँ क्वेश्चन सेट करवा रही हूँ, इस सेट के अंदर ना मैं आपको पूरे की पूरे सॉल्व करके पार्ट बताऊंगी। क्यों? क्योंकि वहाँ कई बार मोल्स पूछा जाता है, कई बार मॉलिक्यूल के टर्म में पूछता है, कई बार एटम्स के टर्म में पूछता है, क्योंकि ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ बहुत ध्यान से बी रेडी विद योर नोटबुक एंड पेन एंड योर फेवरेट स्माइल। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं आपका ये वाला सेशन, आ जाइए। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन देखना है ठीक से, ये जूम किसने किया है ये बताओ, कौन है ये महारथी? कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। क्या है क्वेश्चन में? इन 36 ग्राम ग्लूकोज, क्वेश्चन की बड़े ध्यान से रीड करना है। पहले पेन को लेते हैं थोड़ा सा और थिन, क्योंकि करने हैं क्वेश्चन सॉल्व। चलो, इन 36 ग्राम ग्लूकोज कैलकुलेट C6H12O6, 180 ग्राम्स हमको इसका मोलर मास भी दिया हुआ है। आपको सबको पता है हमें हर जगह जब मोल्स निकालने हैं तो मोलर मास की तो जरूरत है, यहाँ ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, अब यहाँ आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है? एक तो नंबर ऑफ मोल्स की बात हुई है, नंबर ऑफ एटम्स की बात हुई है और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप। ठीक, तो सबसे पहले देखिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपको पता है इट इज व्हाट, 0.2 Na। ठीक है, देन नंबर ऑफ एटम्स की अगर हम बात करें तो आप यहां पर काउंट कर लीजिए, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 12 हाइड्रोजन है, 6 कार्बन है, 6 ऑक्सीजन है, यानी कि 12 + 6 + 6 दैट इज 24। तो क्या मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूं यहां पर? बिल्कुल, ये लीजिए, आपने मल्टीप्लाई किया, आपके पास आ गए ये वैल्यू 4.8 Na। और अब यहां पर हमें देखने हैं नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप। तो चलो 1 to 1 देखते हैं, हमारे पास क्या है? ग्लूकोज C6H12O6, यही है। अब यहां आपने कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों के रिस्पेक्ट में बात करनी है हमें इंडिविजुअली भी। अब सबसे पहले कार्बन को डिस्कस करते हैं। तो सुनिए, सबसे पहले अगर आप कार्बन की बात करेंगे तो यहां हमने कहा 0.2 Na, हमें पता है इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाल लिए, और यहां पर कार्बन कितने गिवन है? 6 × 6। तो ये लो आपके पास इसके मॉलिक्यूल्स में पता चल गया कि कार्बन के कितने हैं, 1.2 Na। क्वेश्चन में आपसे पूछे गए हैं क्या? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसके रिस्पेक्ट में मोल्स आपने निकाल लिए, ठीक है। अब आपको नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप निकालने हैं। हम क्या निकाल रहे हैं यहां पर? यहां आप निकाल रहे हैं नंबर ऑफ एटम्स। तो कार्बन के लिए आपने क्या किया, जो 0.2 Na मोल्स थे उनको मल्टीप्लाई कर दिया 6 से, क्योंकि कार्बन यहां पर कितने हैं? 6 हैं, ठीक है। हाइड्रोजन पे आ जाओ, हाइड्रोजन कितने हैं? 12। तो कितने से मल्टीप्लाई किया जाएगा? 0.2 Na को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। ये लीजिए, आपके पास रिजल्टेंट आ गया, दैट इज अबाउट 2.4 Na। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन आपको पता है कि 6 दिए हुए हैं। तो क्या करेंगे आप यहां पर? इसका सेम वही मल्टीप्लीकेशन विद 0.2 Na। तो आपने यहां पर ईच टाइप में इंडिविजुअली एटम भी फाइंड आउट कर लिए। कार्बन के रिस्पेक्ट में 1.2 Na, हाइड्रोजन इज 2.4, ऑक्सीजन इज 1.2, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों कितने कितने थे? 6 and 6। चलो, अब आप टोटल क्या कर रहे हैं? N इज इक्वल टू, ये है आपका मोलर मास, और ये आप क्या लिखते हैं? वेट, यही तो लिखते हो, N इज इक्वल टू W/m। तो आपने लिख लिया, दैट इज 36/180। सिंपल मैथ्स तो आती है, डिवीजन करना तो आता है, तो रेशियो आया, दैट इज नियरली अबाउट, इन फ्रैक्शंस इज N इज इक्वल्स टू 1/5। और इसको भी और मैं सॉल्व कर दूं तो ये लो आपके पास रेशियो आ जाता है कंप्लीट, N इज इक्वल्स टू 0.2 mols। क्लियर है बात? समझ में आ गई? किन किन टर्म्स में पूछा जाता है? अभी तक आप क्या कर रहे थे? इंडिविजुअली मोल्स निकाल लिए, मॉलिक्यूल्स निकाल लिए, एटम फाइंड आउट कर लिए। अब वो क्या करेगा? पूरी की पूरी एंटायटी देगा और उसमें इंडिविजुअल एटम्स की पूछेगा। तो हमें इंडिविजुअल एटम्स भी निकालने आने चाहिए। हमने निकाल लिए इंडिविजुअल एटम्स तीनों केस में, C H and O। अच्छे से क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा है? अब विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स?
अब आपसे पूछे गए हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, तो चलो मैं एक बहुत अच्छे से क्लियर करती हूँ, फिर आपको सेम चीज सब पे अप्लाई करनी है। सबसे पहले क्या पूछा गया है, 8 ग्राम्स ऑफ H2, तो क्या इसको थोड़ा करें छोटा और इधर साइड में। क्या पूछा गया है, 8 ग्राम्स ऑफ H2, तो क्या आप जब अगर मोल्स निकालने हैं हमें, मोल ऑफ H2 मॉलिक्यूल, समझना सारी बात, तो हम क्या लिखते हैं इसको, ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यही लिख रहे थे। अब कितने में पूछा गया है, 8 में, तो क्या कर दोगे मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड, तो आपके पास कितने मोल्स आ गए, 4 मोल्स आ गए। ठीक है, मैं बात कर रही हूं इसके रिस्पेक्ट में, यहां तक ठीक है। अब मुझे लिखने हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन H2, इसकी बात करूंगी अब मैं। तो आप कहेंगे सिंस वन मॉलिक्यूल हैव हाउ मेनी, वन नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल, सो अभी आपने आइडेंटिफाई किया 4 मोल्स, सो 4 मोल मॉलिक्यूल हैव हाउ मेनी, 1 × 4, तो कितने हो गए 4Na, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, अब क्या करोगे, तो अब आपको पता है यहां H2 मॉलिक्यूल कहा गया है, तो क्या होगा, देयरफॉर 1H2 मॉलिक्यूल, 1H2 मॉलिक्यूल हैव 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। यह है हमारी प्रॉपर तरीका लिखने का किसी भी क्वेश्चन को। अब आपके पूछे गए हैं भाई 8 ग्राम्स ऑफ H2 में, और आपने कहा 1H2 हैव 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, तो हमें कितने के लिए निकालना है, 2H2 के लिए, दो के लिए ही बात की जाएगी, तो मैं क्या टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकाल लूं यहां, तो आपने कहा नंबर ऑफ एटम्स इन H2, तो क्या हो जाएगा, 4 × 2, ये लो 4 × ये आपके कितने आए थे यहां पर, ट्वाइस ऑफ Na, कितने हो गए टोटल 8Na, ये लो। आगे बात समझ में, इस तरीके से हमें पूरी की पूरी फॉर्मुलेशन करनी है सबके लिए 1:1। एक पैटर्न मैंने बता दिया, सब पे अप्लाई कौन करोगे, आप लोग, प्रैक्टिस तभी होगी। तो देखो फिर से एक बार इस चीज को समझो, मैंने कहा मोल्स ऑफ H2 मॉलिक्यूल को हम लिखते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब आपने कहा 8 ग्राम्स के लिए बात हो रही है यहाँ पर, तो ये लीजिए 8/2, क्योंकि H2 के रिस्पेक्ट में पूछा गया है, 1 के लिए हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 मोल्स हैं, तो मैंने 2 ले लिया, हमारे पास रिजल्टेंट आ गया 4 मोल। अब क्या करोगे, हमें H2 के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, तो मैंने कहा अगर एक मॉलिक्यूल के पास 1Na मॉलिक्यूल है, तो आप 4 के लिए कितना हो जाएगा, 1 × 4Na, ये लीजिए। देन आपने कहा कि अगर 1H2 मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के, तो ओवरऑल हमें 8 ग्राम्स के अंदर ही तो आइडेंटिफाई करने थे, हमारे पास कितने आए थे 4 मोल्स, तो मैं क्या करूंगी 4 × 2Na, तो ये लीजिए आपके पास रिजल्टेंट आ गया 8 नंबर ऑफ एटम्स, दैट इज 8Na, और यही पूछा गया है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, तो हमने 1:1 इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब सेकेंड क्या है, 32 ग्राम्स ऑफ O2, क्या है क्वेश्चन, ये देखो 32 ग्राम्स ऑफ O2, तो चलो इसका डायरेक्ट अप्लाई किया, 1 मोल के लिए 1Na और O2 × 2, तो कितने हो गए जस्ट 2Na, निकाल लोगे, सॉल्व करके देखना आराम से आ जाएगा, इस तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड है 28 ग्राम्स ऑफ N2, सेम वही चीज, ये लो यहां भी 2Na आया है। अब है 18 ग्राम ऑफ H2O, अब देखो यहां क्या होगा, क्योंकि यहां पर 2 तो हाइड्रोजन हो गए, 1 ऑक्सीजन हो गया, तो आप कितने काउंट करोगे, 3 काउंट करोगे, तो 1 × 3, तो कंप्लीट कितना आया 3Na। अब पूछा क्या गया है, मैक्सिमम नंबर, यहां 3 है, यहां 2 है, यहां 2, और मैक्सिमम अगर मैं पूछूं आपसे, तो आपको दिख रहा है यहां है 8, तो इस तरीके से हम 1:1 कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑप्शन में से क्लियरली, इसलिए मैंने चारों की चारों ऑप्शंस आपको यहां सॉल्व करवाए हैं। बात समझ में आई, तो मैक्सिमम नंबर किस में होगा, 8 ग्राम्स ऑफ H2 के केस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कैलकुलेट चार्ज ऑन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. हमें चार्ज कैलकुलेट करना है लेकिन कहां? वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो सबसे पहले अगर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन याद है तुमको तो वो कितना होता है, फैराडेज में हम उसे काउंट करते थे, दैट इज नियरली अबाउट व्हाट, वन फैराडे. और वन फैराडे इज इक्वल्स टू हाउ मेनी ऑफ कूलम्स, 96,500 कूलम्स. याद रखनी है ये चीज, याद करवाई थी अच्छे से. 96,500 कूलम्ब इज इक्वल्स टू वन फैराडे. अब देखना है हमें, इन्होंने पूछा है चार्ज वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, वन इलेक्ट्रॉन का चार्ज. तो चलो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपने यहां लिया 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब, ठीक है. अब यहां क्या करना है, मोल के रिस्पेक्ट में पूछा है आपसे, वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. पहले आपने वन इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिखा, अब आपको आइडेंटिफाई करना है वन मोल के लिए. तो मोल के लिए किससे मल्टीप्लाई करा दोगे, 6.02 × 10⁻²³ से मल्टीप्लाई करा देना है. ये लीजिए आपने मल्टीप्लाई कराया, ओवरऑल हमारे पास क्या आया, दैट जो हमने इनिशियल में आपको बताया कि इट इज नियरली चार्ज ऑन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 96,500 कूलम और यू कैन से वन फैराडे. लेकिन ये कैसे जनरेट हुआ, ऐसे आपने क्या किया, पहले इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो कितना होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, लेकिन हमें फाइंड आउट करना था मोल्स के रिस्पेक्ट में, तो आपने वन मोल के चार्ज से क्या कर दिया, मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन करते ही आपके पास आ गया आंसर. देखिए क्लियर है बात, तो किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है. आपके सामने मोल का वैल्यू गिवन हो और आपसे इनिशियल सिर्फ इलेक्ट्रॉन का पूछ ले तो भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजिली, ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कैलकुलेट चार्ज. अब देखिए यहां इन्होंने यूनिट ऑलरेडी मेंशन की है कि चार्ज आपको फैराडे में निकालना है, ठीक है. अब हमें फैराडे में चार्ज निकालना है और किसका, सोडियम आयन का, मींस Na प्लस आयन का, Na प्लस आयन का निकालना है और वो भी फैराडेज में. तो चलो साथ साथ क्या है, मेंशन क्या है, वन मोल, एक मोल का आइडेंटिफाई करना है आपको. तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, Na प्लस का चार्ज देख लेते हैं, ठीक है. चार्ज ऑन ओजोन ऑफ Na प्लस, ठीक है. तो आपने कहा दैट इज 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब, ये हमारा इनिशियल चार्ज हमें पता है. अब हम क्या कहेंगे, वन मोल के लिए जब अप्लाई करना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, अगेन दिस 6.02 × 10⁻²³. अब आप यहाँ देख रहे हैं कि वहाँ भी इलेक्ट्रॉन की ही बात हुई थी, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन की ही बात हो गई है, सिर्फ इन्होंने कन्वर्जन में क्या दे दी, यहाँ आपको स्पेशीज दे दी आयनिक फॉर्म में. तो इससे कन्फ्यूज नहीं होना है, बात सेम ही है, यही मैं बताना चाह रही हूँ दोनों क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में. हम कन्फ्यूज कहाँ हो जाते हैं, वहाँ तो मैम इलेक्ट्रॉन बोला था, यहाँ तो आयनिक स्पेशीज दे दी थी, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, ओवरऑल तो इलेक्ट्रॉन की ही बात हो रही है ना वहाँ पर. तो हमें बस वही याद रखना है कि स्पेशीज से कंफ्यूज नहीं होना है, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालना है. सिर्फ याद रखना है टर्म क्या पूछ रहा है, वन मोल या फिर सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है. मोल के रिस्पेक्ट में पूछे, मल्टीप्लाई करवा देना है 6.02 × 10⁻²³ से, दैट्स इट. ये लीजिए, चले नेक्स्ट. आजो नेक्स्ट देखो, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन, अब यहां आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं इन 4.2 ग्राम्स ऑफ अजाइड आयन. अजाइड आयन क्या होता है, N3-, इसको कहा जाता है अजाइड आयन. पहली चीज तो ये पता होनी चाहिए कि जो लैंग्वेज में लिखा है वो उसको लिखते कैसे हैं. अजाइड आयन को आप लिखते हैं N3-, ठीक है. चलो अब क्वेश्चन की बात करते हैं, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं 4.2 ग्राम्स ऑफ एजाइड आयन के अंदर. तो चलिए निकाल लेते हैं, 4.2 ग्राम्स में दिया है, सबसे पहले क्या निकाला जाएगा, मोल्स, और मोल्स के लिए हमें जरूरत किसकी है, मोलर मास की. चलो वही सेम फॉर्मूला, N इज इक्वल्स टू W बाय M. अब इस फॉर्मूले में वैल्यू प्लेस करो, दिस इज 4.2 आपको गिवन है, मोलर मास इज 42, ओवरऑल मोल्स निकाल लिए, कैलकुलेट करो, सिंपली डिवीजन है, क्या आ जाएगा, 0.1 मोल. लेकिन इन्होंने पूछा किसके लिए है, वन मोल अजाइड आयन के लिए, यानी कि एक मोल N3- आयन के लिए.
एक N3- आयन के अंदर 22 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बात दिमाग में रखना। ये लो, क्या कहा मैंने, एक अजाइड आयन के अंदर 22 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हमें कितना निकालना है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, और एक अजाइड में 22 इलेक्ट्रॉन है तो क्या करोगे, 0.1 मोल्स निकाला हमने अभी इस कैलकुलेशन से, N से W by M करके, 0.1 मोल N3 is equals to मल्टीप्लिकेशन किससे हो जाएगा, 22 into 0.1 मोल। सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए था दैट 1 मोल ऑफ अजाइड आयन कंटेन्स 22 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो आपने फिर आइडेंटिफाई कर दिया 2.2 Na is what Avogadro's number, आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं इन यूनिट टर्म्स, सो आपने यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट कर लिया 4.2 ग्राम्स के अंदर। चल बात समझ में आई, फिर से समझाऊं एक बार शॉर्ट में, देखो आपसे इन्होंने क्वेश्चन में कहा कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 4.2 ग्राम, कोई भी रेशो हो सकता था यहां पर, लेकिन हमें पता है कि अजाइड का मोलर मास जो है 42 होता है, तो हमने इन द इनिशियल मान लिया 4.2 ग्राम्स, हमें यहां पर क्वेश्चन में पूछा है फॉर इजी कैलकुलेशन, और हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में इजी कैलकुलेशन के रिस्पेक्ट में ही आते हैं। मोलर मास याद ना भी रहे तो भी ये एक शॉर्ट ट्रिक है मोलर मास पिक करने की, बाकी का निकालना हमें आता है। तो आपने सबसे पहले क्या निकाला, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया आपने, कितना गिवन था 4.2 ग्राम्स आपको क्वेश्चन में गिवन था, मोलर मास निकाला 42, डिवाइड किया 0.1 मोल आ गया, लेकिन हमें कहा गया 1 मोल अजाइड निकालो, और मैंने आपको बताया एक अजाइड आयन में 22 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप 22 के रिस्पेक्ट में आपको 0.1 मोल से कैलकुलेट करना है, तो 0.1 मोल अजाइड आयन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 22 into 0.1। सिंपल था, होल ओवर रेशियो इज व्हाट, सिंपल सा कैलकुलेशन था, 2.2 Na, क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, अब यहां आपको सीधे सीधे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, लेकिन ये इतना सीधा नहीं है, क्यों नहीं है, यहां आप देखिए टेम्परेचर रेंजेस आपको कभी तो पूछी जाएगी NTP में और कभी पूछी जाएगी STP में, और होपफुली याद होगा मैंने सेशन में आपको समझाया था व्हाट इज NTP एंड व्हाट इज STP, याद है, NTP के लिए कहा जाता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर रेंज, ठीक है, और STP को आप क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर रेंज, आगे बात समझ में। तो यहां क्या करोगे, सीधा की सीधा सिर्फ आपको सबसे पहले जो ध्यान देना है सिर्फ इस पॉइंट पे देखना है, NTP में पूछा है या STP में पूछा है, ठीक है, तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, इन 12.2 लीटर्स ऑफ O2 एट NTP, NTP नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर रेंज में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, और कितने लीटर्स हैं, 12.2 लीटर ऑफ O2 का आपके रिस्पेक्ट में पूछा है, मोल्स निकालने हैं, चलो कैलकुलेट कर लो, क्या करोगे, जो मोल्स गिवन है दिस 11.12.2, और यहां टोटल ओवरऑल मोल मास निकाल लिया दैट इज 22.4, O2 के लिए होल ओवर मोल्स निकाल लिया दैट इज 0.5 मोल्स, आई बात समझ में। NTP रेंज में याद रखना है यूज किया जाता है 22.4 लीटर्स के रिस्पेक्ट में आप बात करते हैं NTP के अंदर, तो ये डिवीजन तो इसी का आएगा बार बार, बात समझ में आई। अब चलो इसको देखो नेक्स्ट, CO2 के रिस्पेक्ट में, इन 5.6 लीटर ऑफ CO2 एट NTP, फिर से वही NTP पे पूछा गया, यानी कि 22.4 से डिवाइड कर दो, 5.6 डिवाइडेड बाय 22.4 होल ओवर रेशो क्या आ जाएगा, काट के देख लो, इसको सॉल्व किया आया 1/4, और 1/4 का डिवीजन दे दो क्या रह गया 0.25, कितने मोल्स आए हैं CO2 के रिस्पेक्ट में 0.25 मोल्स, ये लो कितना इजी है, सिर्फ याद रखना है NTP में क्या करोगे 22.4 से डिवीजन करना है। चलो नेक्स्ट देखो, सेम सारे वही हैं, अब NTP का एक और दिया गया है, इन 89.6 लीटर ऑफ HE यानी कि हीलियम, और फिर से वही प्रेशर रेंज है NTP,
89.6 है, किससे डिवाइड करोगे? 22.4 से सॉल्व कर लो, 4 मोल्स। चलो एनटीपी तो अच्छे से समझ में आ गया कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर रेंज है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने भी मोल्स वहां पर आपको स्पेशीज में गिवन है, कितने भी लीटर हो, आपको डिवाइड करना है 22.4 से, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पर मैंने कहा कि अब मैं एनटीपी में ना पूछ के एसटीपी में पूछ रही हूं, यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर रेंज में, तो सिर्फ इतना सा चेंज है, यहां आपको 22.7 लीटर से डिवाइड करना है, सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है। वहां था 22.4 और यहां क्या है? 22.7। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो, इन 11.35 लीटर्स ऑफ NE, दैट इज नियॉन एट STP, यहां आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं नियॉन के, तो क्या करोगे? कितना गिवन है? 11.35। टेम्परेचर किस पर पूछा गया है? कौन सा रेंज है? STP रेंज पर पूछा गया है, तो हम किससे डिवाइड करेंगे? 22.4 या 7.7 वाले से। तो ये लीजिए, 0.7 वाले से डिवीजन दीजिए, इसको डिवाइड कर लीजिए, कैलकुलेट करो, 11.35 डिवाइडेड बाय 22.7, ये लो कैलकुलेट करके आ गया 0.5 मोल। बस दो पॉइंट याद रखने हैं, 22.4, 22.7। आ जाओ, अब देखो इसमें क्या पूछा गया है। इन 45.2 लीटर ऑफ आर्गन एट एसटीपी, हमें घूमना ही नहीं है, आपसे क्या कहा गया है, कितने लीटर दिया है? 45.2, और पूछा किसमें है? एसटीपी, यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, तो हमें क्लिक हो जाना चाहिए 22.7 से डिवाइड करना है सिर्फ। मोल मैप से याद आ गया कितने लीटर दिए हैं, 45.2 डिवाइड कर दो, 45.2 डिवाइडेड बाय 22.7, सॉल्व करके देखो क्या आ जाएगा, 1.9। क्लियर है? सिंपल सा था, सीधा डिवीजन था, कुछ भी मैं और कोई अप्लाई नहीं करना था। एक और क्वेश्चन देखते हैं। 50 लीटर ऑफ CO2 गैस एट 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 27 डिग्री सेल्सियस। अब यहां आप देखिए, आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी और टेम्परेचर दोनों कंडीशंस में बात हो रही है, साथ साथ आपको वॉल्यूम भी गिवन है, तो यहां क्या अप्लाई करना है? आइडियल गैस। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? PV इज इक्वल्स टू NRT, लेकिन यहाँ आपको क्या निकालने हैं? नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए प्रेशर आपको गिवन है, ये लीजिए, वॉल्यूम आपको गिवन है, R गैस कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है, दैट इज 0.0821, और टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस यहाँ है, आपको पता है 27 प्लस 273 कितना हो गया? 300। रख दो इक्वेशन में चारों की वैल्यूज, P is equals to 2, V 50, R गैस कांस्टेंट 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 300, होल ओवर सॉल्व करो, कुछ रेशियो आ जाएगा, लगभग नंबर ऑफ मोल्स आ गए आपके 4। क्लियर है? चलो, इस तरीके से आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन 1-to-1 सॉल्व करना आने चाहिए। मैं तुम लोगों से भी कहूंगी, खुद से भी प्रैक्टिस करो कुछ क्वेश्चन बाय हैंड। चलो नेक्स्ट देखते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन द फॉलोइंग, फिर से नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, ये देखते जाना NTP या STP। 11.2 लीटर्स ऑफ SO2 गैस एट 1 एटमॉस्फेयर 273 केल्विन NTP। अब देखो, ये लैंग्वेज है सिर्फ घुमाने के लिए, कंफ्यूज 1% नहीं होना है, ये सिर्फ क्वेश्चन का घुमाने का तरीका है, जिससे आप कंफ्यूज होके कर दो गलत कि 4-5 चीज़ें दे रखी हैं, मतलब हमें आइडियल गैस लगानी है, नहीं। जब यहाँ NTP या STP मेंशन है, कुछ भी नहीं करना है, सीधा वॉल्यूम पिक करना है, और वॉल्यूम में डिवीजन देना है, अगर NTP तो 22.4, STP तो 22.7, बाकी कुछ भी लिखा है क्वेश्चन में ध्यान ही नहीं देना है कंफ्यूज होने के लिए। हाँ, अगर यहाँ पर ये गिवन नहीं है NTP और STP, ये चीज मेंशन नहीं है, तो बिल्कुल यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करनी है, और क्वेश्चन से नंबर ऑफ मोल्स पूछे तो वो वॉल्यूम पूछे, वॉल्यूम गिवन नहीं है, वॉल्यूम भी पूछ सकता है बाकी का डेटा देकर। सो आपको करना क्या है, ओवरऑल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप निकाल देंगे रिजल्टेंट वैल्यू। बात समझ में आ गई? इस चीज से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। जैसा यहां पर देखो, इस क्वेश्चन में क्लियरली मेंशनड है 11.2 लीटर्स ऑफ SO2 गैस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 273 केल्विन टेम्परेचर, फिर साथ में क्या लिखा है? NTP। इसका मतलब ऊपर वाली रामायण को कर दो कट, सीधा उठाओ वॉल्यूम, ये लो, और क्या उठाना है? NTP, यानी कि 22.4। निकाल लो रिजल्ट, आ गया आंसर 1/2, खत्म, क्योंकि क्वेश्चन में पूछे हैं नंबर ऑफ मोल्स,
आपने सॉल्व कर लिया। आ जाओ एक और क्वेश्चन देखते हैं अब एसटीपी पे। दिस मच वॉल्यूम क्या है 113.5। वॉल्यूम चेक किया, साथ में देखो कौन से इसके लिए बात हो रही है, O2 गैस के लिए बात हो रही है, और रेंज एसटीपी सॉल्व कर दो कितने से 22.7 से। एक और चेक करते हैं 3×10^20 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। अब आप चेंज देखिए क्या टर्म इन्होंने दी है यहां पर मॉलिक्यूल्स, क्या हमें इससे कोई फर्क पड़ने वाला है? बिल्कुल पड़ने वाला है। यहां आप क्या करेंगे इस रेशियो में, जब मोल्स की बात नहीं हो रही है मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, तो आप क्या करेंगे इसको डिवीजन देंगे 6×10^23 से। क्लियर है बात मॉलिक्यूल्स के टर्म में, क्योंकि हम यहां पर इन द एंड क्या करते हैं, अवोगाड्रो वाली चीज जो हम Na रिप्रेजेंट करते थे, और इसकी वैल्यू क्या होती है 6×10^23। हमने यहां से इसको डिवीजन दिया, ये लीजिए 1/2×10^-23, और इसको मैं सॉल्व कर देती हूँ, और तो ये लीजिए सॉल्व करके आ गया 0.5×10^-3। आई बात समझ में? चलो तो इस तरीके से अब आपको थोड़ा सा याद रखना है कि क्वेश्चन देखो किस तरीके से, कितने बेसिक क्वेश्चंस हैं, कितने सिंपल क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा इसमें घुमाया नहीं जाता, सिर्फ घूमना है तो लैंग्वेज में है, और लैंग्वेज पिक करना मैंने इस सेशन में अभी तुम्हें फिर से बता दिया, तो बस वही लैंग्वेज पिक करनी है, लैंग्वेज में सीधा पिन पॉइंट पिक करना है कि हाँ भाई एसटीपी एनटीपी मेंशनड है, रिमाइंड कुछ भी लिखो, ठीक है, कितना प्रेशर टेम्परेचर रेंज ये ध्यान रखनी है, और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज वो क्या है यूनिट्स, यूनिट्स को सबसे पहले ध्यान में रखना है, वरना कितनी भी कैलकुलेशन कराना तुम सारा सही करके आ रहे हो, तुमने यूनिट पे ध्यान नहीं दिया सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सो प्लीज सबसे पहले यूनिट पिक करनी है हर न्यूमेरिकल के अंदर। क्लियर है बात? चलिए इसके बाद यहाँ पर ये पार्ट आपका होता है खत्म। नेक्स्ट सेशन में हम आपके साथ नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो तब तक मैं कहूँगी एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर जो है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है प्लस थियोरेटिकल भी है, और वहाँ चलेंगे कुछ कुछ स्टोरीज, तो आएगा आपको और थोड़ा सा मज़ा। और उसके बाद अगर मुझे लगा कि ठीक है एक पार्ट अपन और बना लेते हैं क्वेश्चंस का, इफ़ यू पीपल आर कंफ्यूज्ड फिर से इन वैल्यूज़ में कुछ, तो मैं एक पार्ट और बना कर लाऊंगी और हम उस क्वेश्चन सेट को भी डिस्कस कर लेंगे आपके साथ। ठीक है, टिल देन थैंक यू सो मच।